हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पापा एक चिकन टिक्का बिरयानी। ये देखने में जितनी टेम्पटिंग है, बहुत ही यम्मी बनके तैयार होती है, बनाने में बहुत ही आसान है। ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, एकदम परफेक्ट रेसिपी है ये। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन। आप चाहे तो पीसेस भी ले सकते हैं। एक टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन, एक टी स्पून लाल मिर्च, एक चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच ज़ीरा, एक टेबल स्पून भरकर दही, एक टीस्पून नींबू का रस और थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है मैंने। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, डिपेंड करता है। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते या पसंद नहीं करते तो स्किप कर दें। 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, गैस का फ्लेम ऑन है। ये मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी हमने कोई ऑयल ऐड नहीं करना है। जैसे इसमें बॉयल आने लगे हाई फ्लेम पर, तो सबसे पहले फ्लेम लो कर ले, कवर करके कुछ देर कुक कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं चिकन ने बहुत सारा पानी रिलीज़ कर लिया है, बहुत अच्छे से स्टीम बन गई है इसमें, दही ने पानी छोड़ लिया है। तो फिर लो फ्लेम पर इसको हम कवर करके तब तक कुक कर लेंगे जब तक पानी इसमें ड्राई नहीं हो जाता। इस प्रोसेस में कम से कम 10 मिनट लग गया था। और ये देखिए, पानी अच्छे से इसमें ड्राई हो चला है, मसाला काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 टीस्पून भर के देसी घी। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर ऑयल। अच्छे से मिक्स कर ले इसको और लो फ्लेम पर कुछ देर के लिए छोड़ दें जब तक मसाला पूरा ड्राई नहीं हो जाता है और इस तरह से चिकन को लिपट नहीं जाता है। तो ये देखिए, ये ड्राई हो गया अच्छे से। अब मैंने यहाँ पर लिया है कोयला जलता हुआ और इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून घी, या आप ऑयल ऐड कर ले। कवर करके इसको हमने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। गैस का फ्लेम ऑफ है। 10 मिनट बाद ये देखिए, अच्छे से इसको कोल की स्मोक लग गई है। तो अब हमने इसको निकाल लेना है एक प्लेट पर और ये हमारा बाबेक चिकन टिक्का रेडी है। दूसरी तरफ मैंने 2.5 लीटर पानी उबलने के लिए रख दिया है। 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पुदीना लिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, हरी इलायची और बादियान ऐड किए। 1 टेबल स्पून अच्छे से भरकर नमक ऐड कर ले, पानी फीका नहीं लगना चाहिए। और थोड़ा सा मैंने ऐड किया है देसी घी, आप चाहे तो ऑयल ऐड कर लें। कुछ कतरा नींबू का रस या विनेगर। अच्छे से उबाल आ जाए इसके अंदर, पानी उबलने लगे तो 2 से 3 मिनट उबाल ले इसको। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 किलो बासमती चावल। बासमती चावल को मैंने धोकर 1/2 घंटा भिगो दिया था। जब वो भीगता है तो बहुत अच्छे से वो कुक भी होता है। जब इसमें बॉयल आ जाए इस तरह से, तो फ्लेम मीडियम कर ले और 7 से 8 मिनट कुक कर ले, जब तक ये 90% कुक नहीं हो जाता है। एक बार ये 90% कुक हो जाता है तो आपने सारा पानी निकाल लेना है और उसको एक प्लेट पर आप अच्छे से फैला ले ताकि स्टीम निकल जाए उसमें से और चावल जो है वो खिले खिले और छुट्टे ही रहे। अब दूसरी तरफ ग्रेवी को बनाने के लिए मैंने वही कढ़ाई इस्तेमाल की है जिसमें मैंने टिक्का बनाया था। थोड़ा सा मैंने घी भी ऐड किया ऑयल के साथ, 1/2 चम्मच ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, काली इलायची, हरी इलायची, बादियान। थोड़ा सा फ्राई कर लें इसको। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 स्मॉल टू मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाता है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो 1 टीस्पून अदरक लहसुन, साथ में मैंने ऐड किया है कुछ सूखे मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया। अच्छे से मिक्स कर लें इसको, 1 मिनट के लिए भून लें ताकि मसाले जो है वो कच्चे नहीं रहे इसके अंदर और सिकाई हो जाए अच्छे से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 स्मॉल टू मीडियम अच्छा पका हुआ टमाटर ऐड करें। ऐड करके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है और इसको थोड़ा कुक कर ले जब तक टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। तो यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा आपको ड्राई दिखाई देगा और ऑयल सेपरेट हो गया है। थोड़ा सा हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना ऐड कर लिया है मैंने। इसको एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम आपने लो कर लेना है ताकि ये जले नहीं, क्योंकि मसाला ऑलरेडी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून दही। ये रेसिपी में मैंने टोटल 1/2 कप दही का इस्तेमाल किया था। उसी में से मैंने थोड़ा सा चिकन मैरिनेट करते वक्त थोड़ा सा ग्रेवी में और थोड़ा सा राइस के ऊपर ऐड किया है। तो बस ये मिक्स कर ले, आप देख सकते हैं ग्रेवी अच्छे से फॉर्म हो गई है। अब यहाँ पर जो मैंने टिक्का बनाया था वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा सिर्फ स्प्रेड कर लेना है, मिक्स नहीं करेंगे हम। और फिर इसके ऊपर ऐड कर लें थोड़ा सा धनिया पुदीना, ये बचा हुआ दही लिया है। थोड़ा सा फूड कलर और 2 बूंद केवरा एसेंस ऐड कर लें।
मिक्स करके इस तरह से बस आपने ऊपर से उसको फैला लेना है। इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे जो चावल हमने अलग से निकाल लिया था उबाल कर, वो ऐड कर ले। थोड़ा सा उसको अच्छे से आपने स्प्रेड कर लेना है। ये चावलों का पानी है पाव कप के आसपास, वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है ताकि नीचे से ड्राई नहीं रहे चावल। और ये मैंने ऐड कर लिया है पुदीना और धनिया, थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे ऊपर से देसी घी, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इससे। बहुत थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड किया है क्योंकि हमने दही में भी ऐड किया था नीचे। इसको कवर कर ले लो फ्लेम पर, 15 से 20 मिनट दम कर ले जब तक इसमें बहुत अच्छे से फ्यूम्स नहीं आ जाती। 15 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर लें और फिर उसको उसी तरह आप 10 मिनट रहने दें। उसके बाद मैंने अभी खोला है तो ये देख सकते हैं आप, नीचे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये तैयार हो गया है। इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। इसको आप रायता कचुंबर के साथ सर्व करिएगा। तो आसान सी रेसिपी है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी, ट्राई ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।